नाउ हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। उसमें क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं, एचआरएम मैनेजमेंट में कैसे यूज़ होता है, फीचर्स और नेचर्स क्या हैं, उसके स्कोप्स क्या हैं, किस डायमेंशंस में यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एंड देन इम्पोर्टेंस क्या क्या है। नाउ कम टू द आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। हमें सबसे पहले इसको जानना होगा। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इंडिविजुअल पर्संस वर्क फोर्स को यूज़ करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस सेक्टर्स में या किसी भी इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट लेता है, दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मीन्स वी आर एंड रिसोर्स मीन्स द थिंग्स एंड द सोर्सेस दैट विल रिकैप्चुलाइजेशन और कैप्चुलाइजेशन ऑन दोज बेसिस वी विल कंक्रूएट दीज थिंग्स बोथ देम human and resource. Now human capital is sometime used synonymously with human resource, although human capital typically refers to a more narrow view, that is means the knowledge individuals embody and can contribute to an organization. यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स की नॉलेज होती है और हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहाँ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, वही हमारी एज ए ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल्स भी बोल सकते हैं। Now likewise other terms sometimes used include manpower, talent, labor or simply people. तो ये हमारी सभी चीज़ें क्या हैं, human resource में involvement होती हैं। Now बात करेंगे management में। तो management में क्या है, management means the things is all about performing basic organizations function it is possible manner by comprehensive approach to various functions. जैसे क्या क्या है हमारे पास, प्लानिंग है कि किस तरीके के प्लान्स बनाएंगे, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हमारा वहाँ पर मैनेजमेंट स्टाफिंग का मेंबर्स कैसे होंगे, उसके लिए लीडिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी और हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, ये हमारा मैनेजमेंट वर्क करता है। नाउ बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट वर्क कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से वर्क करेगा। द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजिशन इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवार्डिंग एंड अप्रेजिंग। इट मीन्स जो चीज़ें पॉलिसीज में प्रैक्टिस में लाई जा रही हैं और ह्यूमन रिसोर्स उसका यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में, स्क्रीनिंग में, ट्रेनिंग में, रिवार्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ प्रोसीज procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. यानी किस तरीके से हम लोग उसको effective way में और efficient manner में अपने workforce को maintain करते हुए हम उसको कैसे procurement देते हैं अपने resources को, ये हमारा होता है human resource management. Now बात करेंगे कि features और natures क्या क्या होते हैं। तो इसका फीचर्स है, सबसे पहले परवेसिव फोर्स, यानी द थिंग्स विच आर द, जो चीज़ें एक बार हो रही हैं फिर हमें उन चीज़ों को कैसे दोबारा करना है, द थिंग्स दैट विजिबल परवेसिव दे विल इन डायनेमिक नेचर। नाउ सेकंड क्या है, एक्शन ओरिएंटेड, हमें किस तरीके से एक्शन लेने होंगे। फिर इंडिविजुअल ओरिएंटेड, यानी अपनी पार्टिसिपेशन हमारे लिए कितनी इन्वॉल्वमेंट और कितनी इम्पॉर्टेंट होगी। नाउ देन हमारे पास है पीपल ओरिएंटेड, देन हमारे पास है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, यानी ये सभी चीज़ें ओरिएंटेड जो हैं हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो करनी होंगी। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, कंप्रिहेंसिव फंक्शंस, ऑक्सिलरी सर्विस, ऑक्सिलरी सर्विस मींस असिस्ट अदर डिपार्टमेंट, यानी किस तरीके से हम लोग उन चीज़ों से सर्विस हासिल करेंगे और क्या क्या फॉलो करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शंस, कौन कौन से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शंस लागू हो रहे हैं हम उनको कैसे फॉलो करेंगे। देन कंटिन्यूस फंक्शंस, तो ये हमारे क्या हैं, फीचर्स और नेचर्स। नाउ बात करेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम का, तो स्कोप कहाँ कहाँ पर है, पर्सनल एस्पेक्ट में, वेलफेयर एस्पेक्ट में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट में, तो ये हमारे स्कोप तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ बात करेंगे थ्री डायमेंशन ऑफ एचआरएम की, यानी किन किन बेसिस में एचआरएम को डिवाइड किया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ बात करेंगे पर्सनल एस्पेक्ट में कैसे वर्क करता है, तो इसमें सबसे पहली मेन पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट है, देन सेलेक्शन है, देन प्लेसमेंट है, देन ट्रेनिंग है, फिर अप्रेजल है, फिर
कंपेंसेशन है, देन प्रोडक्टिविटी, यानी ये सब चीज़ें पर्सनल एस्पेक्ट हैं। इन चीज़ों को सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फॉलो करना होता है पर्सनल एस्पेक्ट में। बात करेंगे वेलफेयर एस्पेक्ट की, यानी वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस कैसा होगा, एमिनिटीज़ कैसी होंगी, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, दे विल वर्क ऑन अवर वेलफेयर एस्पेक्ट। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ग्रेवियंस हैंडलिंग्स, डिसिप्लिन, कलेक्टिव बारगेनिंग, तो ये हमारे क्या आते हैं, इंडस्ट्रियल के जो रिलेशंस होते हैं उनके एस्पेक्ट्स की बात की गई है। तो इस तरीके से हमने तीनों डायमेंशंस को डिस्प्लेन किया, एक्सप्लेन हुआ। नाउ अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम की, यानी किस किस बेसिस पे डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट मेन मेन पॉइंट्स को ले रखा है, जैसे कि टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, टू बी इफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, टू बी रिस्पॉन्सिव टू लार्जर सोसाइटल कंसर्न्स, टू मीट पर्सनल नीड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज, टू हेल्प मेंटेन इथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। नाउ देन है टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्क फोर्स इफिशियंटली, नाउ टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑन दोज बेसिस टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। तो ये हमारे मेन क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी किस किस बेसिस में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। नाउ बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआरएम की, यानी इसकी इम्पॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, इंटरप्राइज लेवल, यानी इंटरप्राइज लेवल में हम इसकी इम्पोर्टेंस कैसे देंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा रिटेन बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट करके, उन चीज़ों का प्रिक्रूटमेंट करके हम अपने वर्क फोर्स को कैसे बढ़ाएंगे और मेन मेन प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो करेंगे। नाउ सेकेंड है हमारा पास इंडिविजुअल लेवल, यानी इंडिविजुअल लेवल में जो पर्सन वर्क कर रहा है वो इंडिविजुअल, उसके क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होंगे। प्रमोट्स टीम वर्क एंड स्प्रिट, एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वर्क विथ डिलीजेंस एंड कमिटमेंट, तो ये चीज़ें हमें इंडिविजुअल में ध्यान रखनी होगी। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास सोसाइटी लेवल, सोसाइटी लेवल में क्या क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स टैलेंट आर पुट टू द बेस्ट यूज़, यानी ऑन दोज बेसिस हमें किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। यानी ये इन चीज़ों को हमने, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हमने बात किया कि एचआरएम में किस तरीके से मैनेजमेंट का यूज़ होता है, एचआरएम क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, नेचर्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है, किस किस डायमेंशन में यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, और हमने सभी मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।